प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/64 रविवार। आठवें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी, बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। सोते रहो, कुछ भी करो, जो भी आवे तुम खटिया पर पड़े रहो तो भी उनको अपना लक्ष्य बताओ कि तुम्हारे दो बाबाएं जरूर हैं। जहां भी सेंटर खोलो, अभी देखो बॉम्बे में एग्जीबिशन लगाएंगे तो वहां पहले पहले ये बात बताओ कि हम तुमको एक बात समझाते हैं कि तुमको कितने बाप हैं। एक लौकिक, दूसरा भक्ति मार्ग में परमपिता, जिसको ओ गॉड फादर याद जरूर करती है। इससे सिद्ध होता है कि दो बाप हैं, एक बड़ा बाप है सबका और वो लौकिक बाप है एक एक का, अलग अलग कुटुंब का। अब ये बताओ जो सबका ही बाप है उनको तुम क्यों याद करते हो। लौकिक को तो इसलिए याद करते हो कि तुमको वर्षा मिलना है, इस लौकिक दुनिया का मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का, जमीन जायदाद का वर्षा मिलना है। तो बताओ उस बेहद के बाप को क्यों याद करते हो। जरूर वो कोई समय में सुख देते होंगे, तो समझ नहीं सकते हो कि वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सो तो हम जानते हैं कि वो कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम नहीं जानते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम कुछ नहीं जानते हो, अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं। तुम भी ऐसे कह सकते हो ना, इसको अपने पास आने या समीप आने वाले जिज्ञासुओं को कि तुम नहीं जानते हो। हम जानते हैं कि वो बड़ा बाबा है और वो छोटा बाबा है। बड़े बाबा से बड़ा वर्षा मिलता है सुख शांति का और छोटे बाबा से अल्पकाल का, एक जन्म का वर्षा मिलता है, वो भी मिले मिले न मिले। तो जो बेहद का बाबा है, बड़ा बाबा है, जबकि वो आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, तो उनसे जन्म जन्मांतर का
बेहद सुख का वर्षा मिलता है। विष्णु 64 की वाणी का 9वां पेज। जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो नरक का विनाश होता है, सतयुग की स्थापना करते हैं तो कलयुग का विनाश होता है। सो तो तुम सामने देखते हो, ये एटम बम बने पड़े हैं, तो हम राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम तुमको देते हैं। कि वो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें लिखने पढ़ने की भी कोई दरकार नहीं है। बुद्धियों के लिए और अनजान के लिए तो और ही सहज है, बिल्कुल सहज। खास करके बुद्धि है, क्योंकि वो तो मरने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए तो और ही बहुत सहज है, क्योंकि उनको तो सहज ही वैराग आ जाता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो तकलीफ से और धक्का खाने से ही छोड़ा देते हैं। अच्छा, अभी बहुत क्या सुनावे बच्चों को, बाप तो आते हैं तुमको सदैव हर्षाने के लिए, शांत रहने के लिए और सुखी रहने के लिए। यहां इस दुनिया में तो न शांति है न सुख है, दोनों ही नहीं है ना। घर घर में देखो कितनी तकलीफ है, कलह ही कलह है। तो भले 50 बगुले बैठे हुए हों, सौ बगुलों के बीच में हंस अपनी मौज मस्ती में रहे, उन हंस को रहने की पावर है। वो बगले भला आपस में कितना भी झगड़ा करते रहे, वो हंस तो समझेंगे हम अपनी मौज में क्यों न रहे। तो झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अपनी भी अवस्था खराब हो जाएगी। झगड़े टंटे के बीच में पड़ जाते हैं, क्या करे, ये ज्ञान नहीं लेते हैं, लड़ते ही रहते हैं। हम राय देंगे तो ऐसे नहीं है कि उनके साथ मिल जाना पड़ता है। हंस के साथ बगुलों का और बगुले के साथ हंस का बुद्धि योग नहीं लगना चाहिए। हंस का बुद्धि योग बाप के साथ रहना है, तभी उनको हंस कहा जाता है। अगर बगुलों के साथ बुद्धि योग लगा रहे तो हंस काहे का। तो घर बार में रहने की युक्तियां बहुत हैं,
किसको भी युक्ति नहीं आती हो तो पूछे कि हमारे घर में ये हंगामे होते हैं, मैं क्या करूं, तो बाबा बहुत बताएगा। श्रेष्ठ बनने के लिए मत बहुत अच्छी देंगे, क्योंकि इस दुनिया में इनसे ज्यादा श्रेष्ठ मत देने वाला और कोई होता ही नहीं है। इसलिए नाम है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई श्रीमत, और भगवान तो है ही सबसे ऊंचे ते ऊंच भगवंत, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर ऐसी मत देंगे जो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा बच्ची, टोली ले आओ, एक अक्षर सुनने से ही बच्चों को नशा चढ़ जाना चाहिए। गुरु भी मंत्र पहले पहले देते हैं कान में, फलाना फलाना करो, तो तुम भी तो मंत्र दो ना कि बेहद के बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो भी याद, ऐसी याद जिसमें जपना करना कुछ भी नहीं। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, न मुख से बाबा बाबा कहना है और न वर्षा वर्षा बोलना है। पुकारती है ना कि मुझे इस जहर देने वाले से बचाओ, तो उनको क्योरली तो जरूर करना पड़े, ये तो समझ की बात होती है ना। लोग डिफिकल्ट समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके हम ये पुरानी दुनिया को भूल जावे कैसे, ये होता क्यों नहीं है। अरे ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, पुराने पुराने मकान में रहते रहते नए मकान को कैसे याद करते हो, नई दुनिया तो याद आएगी ना। तो भला नई दुनिया को याद करो, बाप को याद करो, एक ही बात हो जाएगी, और पवित्र तो रहना ही है। कहा जाता है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र होकर दिखलाओ। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 20/9/64। एक तरफ में मम्मा पूछती है और दूसरे तरफ में कंबाइंड पूछते हैं। कंबाइंड कौन है? एक तरफ में मम्मा पूछने वाली और दूसरी तरफ में कंबाइंड पूछने वाला। एक तरफ माने किस तरफ? बेसिक में कौन पूछती है? मम्मा पूछती है। और एडवांस में
कंबाइंड हो जाते हैं। कौन कौन? बाप दादा। ऐसे है ना, बाप दादा कहो, बाप कौन? शिव बाप, राम बाप के द्वारा। और दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा, जो माता का पार्ट बजाते। और राम बाप पिता का पार्ट बजाते। तो मात पिता हो गए, दादा। माता तो गुप्त हो गई, बाकी बाप दादा तो प्रत्यक्ष हैं। गुप्त कैसे हो गई है? यज्ञ में, भेषक में पहले माता मम्मा प्रत्यक्ष थी, और अभी बाद में एडवांस में माता कौन है? ब्रह्मा बाबा, वो गुप्त। बाकी बाप दादा तो कंबाइंड है ना, कोई सत्संग में या घर में बच्चों से कभी कोई पूछते नहीं है। बाप होगा तो अलग पूछेंगे, दादा होगा तो अलग पूछेंगे, दादी होगी तो अलग पूछेगी, और माँ होगी तो अलग पूछेगी। ऐसे ही होता है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं लिखी हैं, ये बातें अनुभव की हैं और भाषणा करने की हैं। बच्चों को ये वंडरफुल भाषणा आती है, जिस भाषणा के राज को कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं, कोई भी और धर्म वाले नहीं जान सकते हैं, सिवाय तुम संगमयुगी ब्राह्मण कुलभूषणों के। क्योंकि यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है, कहां बाला है, है? शास्त्रों में प्रजापिता के नाम से बाला है या प्रजापति के रूप में बाला है? पति कहो, पिता कहो, बेहद का है ना। विश्वपिता भी है, विश्वपति भी है, बाकी प्रजा माना ही रचना सो भी नहीं। तो नई रचना तब होगी जब होगी, तभी तो नया युग होगा ना। धर्म भी नया होगा, सब नया ही नया होगा। तो ये सब नई बातें हैं। तो जरूर सिद्ध होता है कि ये जो गीता लिखी हुई है, जिसमें अगड़म बगड़म लिखा हुआ है, ये सब परंपरा से चला हुआ नहीं है। यह बड़ा अगड़म बगड़म कब हुआ है? जब गीता लिखी गई थी तब अनंग अगड़म बगड़म हुआ या बाद में हुआ? बाद में हुआ। जो इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं, उन्होंने अगड़म बगड़म व्याख्या कर दी। तो ये नहीं कहेंगे कि ये व्याख्याएं परंपरा से चली आई है। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे महसूस कर सकते हो,
इस बात का तुम अनुभव कर सकते हो, समझते हो। तो व्याति वहां नारी है श्री कृष्ण भगवान वाच। दिखा दिया है एक अर्जुन के प्रति युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान तो है क्या? इस युद्ध का मैदान है धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र। धर्म के क्षेत्र में एक धर्म होगा तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा, या अनेक धर्म होंगे तो युद्ध होगा। अनेक धर्म जब इस दुनिया में हो जाते हैं और सात तमो प्रधान हो जाते हैं तभी आपस में लड़ते हैं। क्या लड़ाई लड़ते हैं? धर्म अर्थात धारणा, अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर कर्मकांड बनाते हैं। जैसे हिंदुओं के कर्मकांड अपने धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू जलाते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस के कर्मकांड अपने वो क्या करते हैं, क्या कर्म करते हैं मरने के बाद? जमीन में गाड़ देते हैं। तो देखो वो कहते हैं जमीन में गाड़ना अच्छा, सही बात, और हिंदू क्या कहते हैं? जलाना सही बात। तुम्हारी बात गलत, हमारी बात सही, झगड़ा हो गया। तो ये युद्ध का मैदान इस दुनिया में है, जबकि बाप संगम युग में आकर के सच्ची बात बताते हैं। ये तो जरूर है, परंतु युद्ध का मैदान ये है ही एक वंडरफुल। ये रावण पर युद्ध है, क्या राम के ऊपर युद्ध नहीं है? है क्यों? राम तो रमण कराने वाला है, सच्ची बात बता करके दिलों को खुश करने वाला है। यूं तो युद्ध के मैदान बहुत समय से द्वापर युग से चले आए हैं। युद्ध का मैदान सतयुग त्रेता में नहीं होता है। क्यों, क्या कारण है सतयुग त्रेता में नहीं होता, द्वापर कलयुग में होता है युद्ध का मैदान? सतयुग त्रेता में एक ही धर्म है और द्वापर कलयुग में धर्मों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। तो सतयुग त्रेता में न रूहानी युद्ध रावण से, न जिस्मानी युद्ध मनुष्यों का मनुष्य से। वहां दस मुख वाला, दस मुखों से बात करने वाला रावण होता ही नहीं। वहां तो एक ही धर्म, एक ही बात, एक ही कुल, एक ही राजा, एक ही मत, लड़ाई कहां से होगी? सतयुग और त्रेता में कोई युद्ध नहीं है। फिर यहां बाकी है बाहुबल की लड़ाई। पहले वाचा से लड़ते हैं, वाचा से नहीं मानते हैं तो हैं? हाँ,
बाहुबल की लड़ाई भी लड़ पड़ते हैं। तो युद्ध का मैदान तो बहुत समय से चला आया, सो भी बताया ना कि द्वापर से, द्वापर में भी बहुत समय के बाद जब अन्य धर्म वालों की वृद्धि हो और फिर एक दूसरे के ऊपर लड़ाई लड़े, क्योंकि शुरुआत में तो सभी धर्म सत्य के सात्विक होते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक होती है और बाद में तामसी होती है, जैसे बौद्धि है। तो बौद्धियों की तो कोई से लड़ाई नहीं हो सकती है, क्यों है, क्यों नहीं हो सकती है, हैं? गीता उनका नाम ही है बौद्धि, उनके धर्म पिता का नाम ही है बुद्ध। बुद्धि से काम लेने वाला है या बाहुबल से काम लेने वाला है? फिर आओ इस्लामियों की तरफ, जब तक अकेले इस्लामी है तो उनके साथ भी कोई लड़ाई नहीं हो सकती। पहले तो इस्लाम धर्म ही था ना, फिर बौद्ध ही आए, तो वो तो जब बहुत मनुष्य संप्रदाय होते हैं और फिर टेम्पटेशन होती है कोई के ऊपर चढ़ाई करने की, लालच आ जाता है कि ये हिंदुस्तान बहुत धनाढ्य देश है और उन मुसलमानों के देश में तो क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पैदाइश कुछ भी नहीं होती। तो लालच आता है, लोभ आता है, हम हिंदुस्तान पर चढ़ाई करें, तो कोई के ऊपर चढ़ाई करने की ताब लड़ाई होती है। तो क्रिश्चियंस भी ऐसे ही समझो कि जब तक वो वृद्धि को न पाए हैं तब तक तो लड़ाई नहीं होती, और जब क्रिश्चियंस वृद्धि को पा जाते हैं तो लड़ाई शुरू होती है। समझो कोई 1500 वर्ष हुए होंगे, तब फिर कुछ न कुछ किस्म किस्म की लड़ाई बाहुबल की शुरू होती है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए तब से क्रिश्चियंस का संबत शुरू हुआ, 500 वर्ष के बाद जब क्रिश्चियंस की भी बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है और मुसलमानों की भी बहुत संख्या बढ़ जाती है तो लड़ाइयां शुरू होती है, बाहुबल की लड़ाई। बौद्धियों की क्यों नहीं है? क्योंकि बौद्धियों में हिंसा को बुरा मानते हैं, उनका मूल मंत्र है हिंसा परमो धर्म। तो जब हिंसा नहीं करते हैं तो क्रोध भी उतना नहीं आता है। बाहुबल की लड़ाई का कनेक्शन कौन से विकार से है?
क्रोध विकार से, तो बौद्धियों की तो बात अलग। रह गए इस्लामी और क्रिश्चियंस, उनकी जब जनसंख्या बढ़ती है तो लड़ाई शुरू होती है। ऐसे तो लड़ाई बहुत समय से दिखाती थे, वो वाचा की लड़ाई होती है, शास्त्रों में दिखाया है कंस को मारा है। तो अगर कंस को मारा तो कंस की भी राजाई होगी और कृष्ण की भी राजाई होगी। बीस नौ चौसठ की वाणी का दूसरा पेज। कृष्ण को तो कहेंगे ही जरूर कि शाहजादा था तो जरूर राजाई होगी। कंस का क्या था? ये तो कोई है नहीं, कंस तो सिर्फ नाम है असुरों का जो ऐसे ही गाया हुआ है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है तभी हम कंस कहते हैं, नहीं तो कंस का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। हाँ असुर है, रावण है, फिर उनकी ये संप्रदाय है। कंसी जरासिंधी, तो ये बातें सभी अभी की है। कंसी जरासिंधी वगैरह उनका कोई राज्य तो है नहीं, ये तो फिर रावण का राज्य कहेंगे। जब मनुष्य जो पापात्मा होते हैं उन पापात्माओं को नाम ये शिशुपाल फलाना वगैरह दे देते, जो पाप के ही काम करते रहते। क्या नाम दिया? शिशुपाल। शिशु माने है छोटा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, जो ज्ञान में अभी अभी जन्म लेते हैं, नए नए बच्चे निकलते हैं। दूध पीना भी नहीं सीखे हैं, पूरा अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो ऐसे दुर्मोहे बच्चों को वो शिशुपाल पालता है अपने पक्ष में लेकर के, झूठी बातें सुनाकर। तो यहां बहुत समझने की बातें हैं। मनुष्य क्या समझते हैं? हनुमान फलाना, बच्चे तो इन बातों से छूट गए हो। मनुष्य तो इन बातों में चारों तरफ भटकते रहते हैं, कोई भी विचारों को पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। वो तो समझते हैं कि कोई देवताएं ऐसे होते होंगे सूंड वाले, बंदर की मुख और पूंछ वाले, तो मंदिरों ठिकानों में भटकते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया, ये देह अभिमानी की सूण की बात है। काम विकार की पूंछ की बात है। बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है, बाकी कोई मनुष्य को हाथी का मुख या बंदर का मुख होता नहीं है। तो तुम तो इनकी पूजा से छूट गए। अब वो भक्त वहां क्यों धक्का खाते हैं? हाँ, इतना कहते हैं कि भगत जब बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान आएंगे। तो बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प का भक्ति मार्ग जब खलास होता है तो भक्तों की रक्षा करने भगवान को आना ही है, क्योंकि भक्त बेचारे बहुत दुखी हैं। वो भक्त सुखी तो नहीं हुए ना, ये भक्ति सुख के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि भक्त दुखी है तब भक्तों की रक्षा, भक्तों का रखवाला भगवान आता है। गीत में भी ऐसे है ना, तो रक्षा की जाती है उनकी जो मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। ये भक्ति दुखी करती है ना, क्योंकि भक्ति में अंदर श्रद्धा बहुत होती है। दरदार भटकते ही रहते हैं, थक जाते हैं। इसलिए तो बाप आकर द्रौपदी के पांव दबाते हैं। कहते हैं ना, बच्चे बहुत थक गए हो, ड्रामा अनुसार अभी साफ समझ गए कि आधा कल्प तुम बच्चों को भक्ति जरूर करनी है, क्योंकि भक्ति है रात। तो फिर ये षष्ठी चक्र को भी फिरना है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और फिर वर्णों में भी जरूर आना है। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण आना है जरूर। ये गाए हुए हैं, गाए जाते हैं, परंतु ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का चक्र कैसे फिरता है ये बिचारे कोई नहीं जानते। जानते हो कि बरोबर ज्ञान सागर, पतित पावन, फिर यही सहज राजयोग सिखलाने वाला, वो तो भगवान बैठ करके सिखलाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर जिसको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर आदि आदि कहा जाता है, बरोबर तुम उनसे पूरा वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी पुरुषार्थ पूरा ही करना है, समय तो बाकी थोड़ा है। अभी तो सभी सगाइयां कैंसिल करके और देह सहित देह के सभी संबंधों को, बाबा मामा चाचा गुरु गुसाई पति पत्नी, ये सब से नाता तोड़वाते, सिर्फ अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि मेरे साथ जोड़ने से तुम बच्चे विक्रमाजीत बनेंगे, पवित्र बनेंगे, और फिर अपनी पवित्र दुनिया स्थापन करेंगे, उस पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 2964 की वाणी का तीसरा पेज। तो देखो,
अभी सभी संबंध तोड़वाते हैं और एक से जुड़वाते हैं। और युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बाकी ये संबंध जो पुरानी दुनिया के हैं, 63 जन्मों से जिनकी रग पड़ी हुई है, ये जल्दी नहीं टूट जाते हैं। इन संबंधों में हुए विकर्मों का पुरुषार्थ से विनाश करना है। ये तो भक्ति मार्ग में भी विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने समझाया है कि जब शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं तो जो विकर्म किए हुए हैं पूर्व जन्म के, उस समय उनकी सजा भोगते हैं, बाद में फिर जब विकर्म शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये तो है ही माया की दुनिया। क्या कहा है, क्या मिसाल दिया है? शिव के ऊपर भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, काशी में जाकर के काशी करवट खाते हैं, अंधेरे कुएं में कूदते हैं, तो पूर्व जन्म के सारे विकर्म भस्म हो जाते हैं। उस समय उन विकर्मों की सजा भोग लेते हैं, परंतु फिर नया जन्म होता है तो कौन सी दुनिया में होता है? है? नई दुनिया में या पुरानी दुनिया में? फिर पुरानी दुनिया में जन्म होता है, वो ही माया रावण की दुनिया, तो फिर से विकर्म शुरू हो जाते हैं। उसमें पुनर्जन्म फिर भी लेना पड़े। पुनर्जन्म माने है मृत्यु, माने क्या बेहद में, और जन्म क्या, जन्म माने क्या बेहद में, और पुनर्जन्म माने क्या? शूटिंग तो यहाँ होती है ना संगम युग में। कैसे शूटिंग होती है, है? अभी नई दुनिया चल रही है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में, कि पुरानी दुनिया चल रही है? नई दुनिया चल रही है, ब्राह्मणों की नई दुनिया आ गई है, नई दुनिया है, है? अरे धीरे से बोलते, पुरानी दुनिया है, और पुरानी दुनिया में राज्य किसका है? माया रावण का राज्य है। तो इस माया के रावण के राज्य में भला हम भगवान का दिया हुआ ज्ञान ले रहे हैं, लेते हैं ना, फिर भी ज्ञान लेकर के कोई कोई आत्माएं सरेंडर होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? होती हैं। अच्छा, समर्पित होती हैं तो अंधेरे कुएं में कूदती है या उजियाले में जाती है? है? कहां जाती है? उजियाले में जाती है, माने नई दुनिया में जाती है, जहां अंधेरा कभी होता ही नहीं 2500 साल जाती है। समर्पित होती है, चाहे माताएं कन्याएं हैं
जय पुरुष अपने को समर्पण में समझते हैं ना कि तन मन धन सब, इस लौकिक दुनिया का तन मन धन समय संबंध सब तेरे, तो सब मैंने संपूर्ण अर्पण मैंने अर्पण भगवान के प्रति हुए या नहीं हुए? हुए ना। परंतु अंधेरे में समर्पित हुए या उजाले में समर्पित हुए है? कैसे? ज्ञान नहीं है बुद्धि में है? है? इतना नहीं है, मन अंधेरा है, पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे कुए अंधेरे में भगवान है, हम भगवान के ऊपर अर्पण हो रहे हैं, पक्का निश्चय बैठता है कि बीच में अनिश्चय आता है? आता है, है? पहले समर्पण होते हैं, दुनियादारी के धंधे छोड़ देते हैं, बाद में अनिश्चय आता है तो धंधे दोरी ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? है? पुराने संबंधों में चले जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। और भगवान के ऊपर पक्का निश्चय होता है कि इस अंधेरे में कुएं में भगवान ही है या नहीं है, कि बीच बीच में अनिश्चय आता है? आता है या नहीं आता है? तो अंधेरे में या उजियाले में? अंधेरे में कूदते हैं। नई दुनिया तो है नहीं, क्योंकि माया की दुनिया है, तो उसी माया की दुनिया में मरने के बाद क्या होता है? फिर जन्म लेना पड़ता है। क्या ज्ञान मार्ग से मर गए माने बाप के ऊपर से निश्चय टूट गया, तो निश्चय टूटता है तो कहां जन्म लेते हैं? पुरानी दुनिया में ही जन्म लेते हैं, फिर भी कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े। ये बरोबर है कि भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। क्या समझे? है? अभी भी जो शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भक्ति मार्ग की शूटिंग हो रही है या ज्ञान मार्ग की? दिन है या रात है? है? रात है, दिन नहीं है। है? तिराहे पर खड़े हुए हैं, तिवाटे पर। बोला भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं तो उसी समय में वो सजाएं खा खा करके कर्मातीत बन जाते हैं। पर जरूर सजाएं खाते हैं लेकिन वापस कोई भी नहीं जाते, फिर उनको अच्छा जन्म मिलेगा? है? दोबारा ज्ञान में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो पहले के मुकाबले गहराई से ज्ञान में आएंगे, सोझरे में आएंगे, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे संग में जन्म लेंगे या बदतर लेंगे? अच्छा ही जन्म मिलेगा। यहां तो तुमको योग से विकर्म विनाश करना है। काशी करवट नहीं खाना है, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा।
कोई करवट भी खाएंगे तो ज्ञान नहीं है ना, योग भी नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो श्रीमत पर चलना है। याद करने के लिए श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर न चले तो याद अच्छे से नहीं आएगी। बातें तो सभी विचित्र हैं। देखो बाबा इन बातों को कैसे समझाते हैं, हैं? किन बातों को? भक्ति मार्ग की बातों को बाबा समझाते हैं या नहीं समझाते हैं? कैसे? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया से टैली करके समझाते हैं। तुम भी कहेंगे बाबा समझाते हैं, हैं? कहेंगे या कहते हैं? 64 की वाणी है, तुम भी कहेंगे। कब? भविष्य में या सन 64 में? भविष्य की बात बताई। तुम भी कहेंगे बाबा समझाते हैं, ये भी कहते हैं बाबा समझाते हैं। अभी मनुष्य कैसे समझे कि ये भी कहते हैं कि बाबा समझाते हैं? तो जरूर इनका बाबा गुप्त देखने में आता है। ये तो बरोबर शिव बाबा है गुप्त। क्या कहा है? काशी करवट में जो अंधेरे कुएं में कूदते हैं वो बाबा प्रत्यक्ष है या गुप्त है? 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 काशी करवट में जो कूदते हैं वो बाबा को, शिव बाबा को प्रत्यक्ष देखते हैं या गुप्त देखते हैं? अभी भी पार्ट कैसा है, गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पार्ट है। ये बच्चों से बाप दादा की चिटचैट है, चिटचैट ही कहेंगे क्योंकि कंबाइंड है। कौन? बाप दादा। हुसैन का पंडा छुग्गू कहाँ है? किसी ने कहा ये सामने है। अपने अपने साथ में जिनको लाते हैं इनको बहुत अच्छा सुखाला रखना है। बाप तो आए हैं सुख देने के लिए, तो बच्चों को भी हर एक को सुख देना है। अब वो सुख की मत कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन बाप तो सुख की ही मत देंगे। बरोबर सुख की मत बाप देते हैं, फिर जितना जिसकी तकदीर में है वो मत उठाते हैं, नहीं तो फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। ध्यानी की पार्टी, ध्यानी दादी पार्टी लाई। ये बुद्धियां सुनती हैं, पार्टियों में किसकी संख्या ज्यादा है? बुद्धियों की। किसी ने कहा हाँ ज्ञान सुनती हैं, या जो कुछ कहते हैं सुनती हो? बाबा ने क्या कहा? किसी ने कहा श्रीमत पर चलना है। हाँ मम्मा ने कहा
मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति याद प्यार गुड नाइट। गुड नाइट। मना नाइट गुड है, अच्छी है या मॉर्निंग अच्छा है? मुरली कब चली? रात्रि में चली ना, तो गुड नाइट कहेंगे या गुड मॉर्निंग कहेंगे? है गुड नाइट ही कहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग। क्यों कहा है? क्योंकि जो सीमत पर ही लगातार चलेंगे तो उनके लिए क्या हो गई? गुड मॉर्निंग ही हो गई।